Yes, once again, a very warm welcome to all of you in our today's PT workshop. And today I would like to specially welcome Mr. Kishan Yadavji from Pearson. Okay, so let's begin. We will be on time. So jaise participants aa chuke hain to hum log start kar rahe hain abhi. So yes, participants ko pehle main batana chahungi ki like you know aap स्क्रीन में अगर जो भी दिख रहा है आपको उसका ऑपरेटिव आता है तो कीजिए प्लीज, ये कुछ लाइन दिखी मुझे, आप ऐसे कुछ भी मत कीजिए. सो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर अदर पार्टिसिपेंट्स आल्सो टू अंडरस्टैंड लाइक यू नो मोर अबाउट द थिंग्स. दूसरा, आप लोग लाइक यू नो जो भी कुछ क्वेरीज क्वेश्चन है वो आप लिख के रख सकते हैं, अभी कुछ टाइप करने की कोशिश मत कीजिए. विल हैव एवरीथिंग लाइक यू नो क्वेश्चन आंसर सेशंस एंड ऑल. और आप अगर अपना म्यूट रखेंगे जब चाहे तब अनम्यूट करके बात कर सकते हो, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन और डिस्टरबेंस नहीं होगा और हम लोग अच्छे से आज जो चीज के लिए यहाँ पे लाइक यू नो गैदर हुए हैं तो उसको हम लोग फुलफिल कर सकेंगे. सो हेलो एवरीवन, लाइक यू नो वी नेविगेटर्स एजुकेशन वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन. एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी लाइक यू नो हाउ टू स्कोर हाई इन न्यू पीटी टेस्ट. सो या PT is the passport to your future abroad journey. अगर आप जाना चाह रहे हो तो PT is really a good like you know mode कि आप अपने abroad journey को fulfill कर सकोगे PT से. So before we start the session, guys, we have some rules. So वो rules क्या है? तो first आप हम 2 मिनट यहाँ पे लेंगे कि आप हमारे Instagram page पे जाइए, जो link आपको chat box पे भी दिखेगी. So उससे start following us on Instagram. So we'll just take 2 minutes of time, guys. आप लोग जाइए हमारे Instagram पेज के ऊपर और हमारा पेज लाइक कीजिए. ये पेज में से आपको सिर्फ हमारा एडवर्टाइजमेंट कंटेंट नहीं मिलेगा, बट यू विल डेफिनेटली लर्न मैनी मोर थिंग्स, क्योंकि हम हमारे Instagram में आज के जो यूथ है उसको ध्यान में रख के सब पोस्ट करते हैं. तो जैसे कि पोस्ट होंगे अबाउट द न्यू अपडेट्स ऑफ PT है, IELTS है, और बहुत सारी वोकैबुलरीज है जो आपको इम्पोर्टेंट है, कोएसिव डिवाइसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज पे लाइक यू नो डालते हैं. सो इट विल बी मच मोर लर्निंग फॉर यू थ्रू इंस्टाग्राम. सो यस, आई कैन सी मैनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड फॉलोइंग अस, थैंक यू सो मच. सो वन मोर मिनट वी विल टेक, आप मेरे चैटबॉक्स में जाइए, जो लिंक है, जस्ट इट विल टेक अ मिनट बिकॉज ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड विथ इंस्टाग्राम. सो जस्ट ओपन योर इंस्टाग्राम पेज, गो to our page through the link and like it. Yes, so I can see my followers increasing. Thank you so much. Yes, everyone, we are just going to take 1 more minute of time and you will really enjoy your like you know PT journey with us by following our page. आप देखेंगे बहुत सारी information भी आपको live मिलती रहेगी, जो भी चीज नहीं आती रहती है और कैसे preparation करना है उसके videos भी होते हैं, बहुत सारी लाइक यू नो स्ट्रेटजीज के भी वीडियोस होते हैं, उसके लाइक यू नो पिक्चर्स भी होते हैं, इमेजेस, तो आप उसके थ्रू भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके अब्रॉड जर्नी के लिए जान पाओगे. यस, सो आई सी लाइक स्टिल या जा रहे. यस, थैंक यू. आई कैन सी रौनक, बलिदान, सागर, मीनल, प्रियंका, थैंक यू सो मच एवरीवन, यू स्टार्टेड फॉलोइंग अस, थैंक यू सो मच. ऑलराइट, सो अभी हम लोग हमारे टॉपिक पे आते हैं. You can still have more time. अगर अभी नहीं हो रहा तब बाद में भी follow कर सकते हैं. So let's move to our practical training session of our PT. So first let us understand. पहले हम समझते हैं कि workshop किसके लिए है. तो who is this workshop for? So it is for the students who are planning to study abroad, people planning to immigrate abroad, as well as candidates seeking for achieving high score in PT. This workshop is a very much shortcut to achieve tips and techniques, achieve strategies for your like you know securing good score in your PT, and to know the do's and don'ts, and much more than this. Yes, there is one disclaimer. I will just read it very fast. The result may not be typical to results we have got or others from your neck have been getting. We are showing you a process that has worked in favor of thousands of people. You just need to believe in it and you need to execute it. Let's talk about myself. Today I'm the host, Karishma Joshi. I'm the founder of Navigators Education, and my achievements until now is I'm IDP British Council Cambridge, PT TOEFL certified trainer with 17 years experience. Until date, I have trained more than 10,000 students by both online and offline modes.
If I talk about my institution, that is Navigators Education, which is a professionally managed organization from last 15 years, and that offers us services like IELTS and PTA training, plus visa consulting for major countries like UK, Australia, USA, Canada, New Zealand, Singapore, and many others. Today, I would also like to take a pleasure, to introduce about my co-host, that is Mr. Kishan Yadav. He is a business manager from Pearson PTE. He leads business development and sales operation for PTE in Andhra Pradesh, Telangana, and Karnataka region. He is with Pearson for about a year now. And prior to working at Pearson, he has worked with various MNCs and startups and carried a decade of experience. Yep. So the agenda of today's workshop is the structure of new PTE test, assessment criteria, smart strategies, and skills to achieve your high score. So let's move on to the part one of the workshop, and that is the structure of new PTE test by Mr. Kishan Yadav. So yes, Kishanji, sure. You can continue now. Yeah. Sure. Thank you so much, ma'am, for inviting us here. We are glad to be a part of this amazing session that you have organized. Yes, it's a pleasure. Actually, I'm able to hear some voices. Mute them all. Yes. Others, please, aap apna mute rakhiye, kyunki distraction se aap hi ko maza nahi aayega. Keep yourself mute so that you can enjoy the session really very nicely. Sure. So yes, let's move ahead, ma'am. First of all, I would like to thank all the participants for joining this, for making some time out for this session. Let's talk about the changes in PTE, and for that, I'll take you through a quick slide. I'm going to share my screen now. Yeah. Right. So as Karishma ma'am mentioned, I'm from PTE, and we are going to talk about the changes in PTE academic in this session. So why do you guys think that PTE had to make these changes? Was it that we were doing less test number, or was it due to any other reason? To simply put it, it was all for candidate convenience, because from our research that we did over a course of 5 to 7 years, in the last 5 to 7 years, we found out that one major hurdle amongst all the students is that they do not want to spend 3 hours giving a test. So we had to devise a way or a plan to make the test shorter for them and make it more convenient. Now, you all know that the test has become shorter. It's now a 2-hour test. And we are also launching an online proctored test, which I'm sure Ms. Karishma would be able to tell you more about in case any of you wants to know about it. Now, PTE academic is the same test, as I mentioned before. Nothing is changing. Only the duration of the test has changed from 3 to 2 hours. And how we have done that change is what you are going to see in the next slide. These are the things that has changed. Test duration, of course, and then the score report. Preparation resource will also change accordingly. That's obvious. But what isn't changing? The type of question in the test, and of course, the reliability and validity of scores at PTE. As I mentioned before launching this test, our research teams analyzed the test format against thousands of test taker results, and the questions presented and the skills and traits tested within the test continue to provide test takers with highly accurate and reliable scores. So this is same as before. PTE academic results continue to be accepted by thousands of institutions worldwide for study, migration, and professional applications. So the change in PTE duration does not result in it, any change in the acceptance of PTE. It remains the same. In fact, we are adding more and more institutes to our list on a daily basis, in fact. And this change is effective November 16, 2021. So it has already been a good 3 months now since this change has happened. So we will look at the changes one by one. So previously, the personal introduction used to be of 1 minute. As of now also, it is 1 minute only. There is no change in that. The part one, which comprised of speaking and writing, used to be between 77 to 93 minutes. There is a change in this. We have made it shorter. This will now be between 54 to 67 minutes. Part two, which is reading, it used to be 32 to 41 minutes.
and now it is 29 to 30 minutes. This is one of the most important changes in the entire format. We have removed the optional scheduled break. Previously, there used to be a 10-minute optional break that the candidate can take. It was totally upon them whether they want to use it or not. But as of now, this option is not there, and any candidate would not be getting any break going forward. Listening, it used to take 45 to 57 minutes, but now it takes 30 to 43 minutes. So these are the changes in duration in terms of each part of PT. And let's take a look in detail the item type changes that has occurred in the test. So personal introduction, as I mentioned before, it remains the same for a minute. Read aloud. Previously, we used to have 6 to 7 questions. It still remains the same. There is no change. Repeat sentence also, 10 to 12 questions. There is no change at all. But here's what is changing. Describe image, for which we used to have 6 to 7 questions. Going forward, we'll have only 3 to 4 questions on that. Written lecture, instead of 3 to 4, we will have 1 to 2 questions. Answer short question, instead of 10 to 12, we have reduced the questions to 5 to 6. Summarize written text, instead of 2 to 3 questions, it has 1 to 2 questions now. And write essay, it remains the same, but the total number of questions by virtue of changes in all these sections has come down from 28 to 36, from 39 to 48. And this is how we are able to manage this in 54 to 67 minutes. Now coming to reading item type, fill in the blank, reading and writing, old format and new format, there is no change. It still is 5 to 6 questions. Multiple choice, multiple answer question, there is a change in this. Instead of 2 to 3, we have 1 to 2 questions now. Reorder paragraph, we still have 2 to 3 questions, so no change at all. Fill in the blanks reading, 4 to 5 questions, no change. Multiple choice single answer question, instead of 2 to 3, we have 1 to 2 questions now. And instead of the total 15 to 20 questions, we now have 13 to 18 questions. And the new time duration for this is 29 to 30 minutes. So let's take a look at the listening item type. Summarize spoken text. It used to be 2 to 3 questions versus 1 to 2 questions now. Multiple choice, multiple answers, 2 to 3 versus 1 to 2 now. And fill in the blank remains the same. We still have 2 to 3 questions on that. Highlight correct summary. We have reduced the question to 1 to 2 from 2 to 3. Same for multiple choice, single answer, and select missing words as well. So instead of 2 to 3, you now have 1 to 2 questions. Highlight incorrect word and write from dictation. It remains the same. There is no change at all. Total number of questions has come down from 15 to 22 to 12 to 20. So this is what a score report looks like nowadays. This has already been updated since this presentation was made during the time of launch. So please do not delve into the grammar, but this is how it is right now. Going forward, that is from November 16, the score reports will no longer show enabling skill. But of course, the score report prior to November 16 will not change because the candidates took a test of longer duration. And an additional report providing test takers' feedback with new language categories will be available to help learners direct their future study. So as you can see, the score report here, it has got all your scoring for communicative skill. Then there is skills breakdown, there is test information, candidate information, and you know other information that is necessary. Now PT academic preparation. Now I don't have to talk much about it since you have Karishma ma'am guiding you in this aspect. But those of you looking for some additional or free resource can obviously visit our website. There is an app in Play Store that you guys can download. So please go ahead and do that. In case you need to reach out to any of us, you can do so through Karishma ma'am and we will be happy to assist you with that. Right, these are some of the suggestions that we give, but every student is different. So it's best left upon experts to chart out an individual plan for them. And obviously you have a good trainer here. So let us skip this slide as well.
Well, that's the end of this session from my end. If you have any question, you can direct it to me or however Karishma ma'am wants to speak. Yes, Krishna ji, it was very nice and informative. I hope that the participants have, are much more satisfied by, getting the new information, and they have some query, अगर उनको कुछ थी तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी है वो. So yes, yes, thank you so much for your presentation. Now let's continue, everyone. So today we are going to look upon the main things जिसके लिए आप सब लोग वेट कर रहे हैं. हम लोग हर एक question types की strategies वगैरह समझेंगे जो डेफिनेटली आपको अपना अच्छा desired score लेने के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. जस्ट आई विल टेक अ मिनट. या सो ये मेरा जो था टेस्ट फॉर्मेट तो किशन जी ने समझा दिया है. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस पोर्शंस. तो हमने समझ लिया है कि अभी क्या नया है, कितने क्वेश्चंस वगैरह है. सो ऑल थिंग वी हैव गॉन थ्रू इट. सो या लेट्स नाउ जस्ट बिगिन डायरेक्टली विथ अवर modules and understanding the strategies and what question types are there. So first we are starting with our speaking module. जैसे कि examination में भी आपका यही sequencing रहेगा, जैसे कि first will be speaking, followed by writing, reading and then listening. So what speaking test consists of? So in the beginning of the test, you can test your microphone and record yourself. Make sure you do this in a proper way. क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप लोग माइक्रोफोन अच्छे से नहीं रखते हो तो सिस्टम जो है वो आपका वॉइस वगैरह अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाएगी. तो यू माइट हैव चांसेस टू लूज मार्क्स इधर इन योर फ्लुएंसी और योर कंटेंट. रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड मेक श्योर यू कैन हियर योरसेल्फ क्लियरली. द कंप्यूटर ओनली स्कोर यू फॉर व्हाट इज रिकॉर्डेड. करेक्ट? यस. सो सेक्शन वन ऑफ योर स्पीकिंग बिगिंस विद अ पर्सनल इंट्रोडक्शन. In this part, you are given 25 seconds to read the instruction and 30 seconds to provide a brief introduction about yourself. So this part of speaking section is actually not scored क्योंकि बहुत सारे जो candidates होते हैं वो confused रहते हैं. मेरे पास जो students होते हैं ये उनको जाना मैम इंट्रोडक्शन में क्या बोले, कितने मार्क्स होंगे. तो मैं आपको बता दूँ ये स्कोर्ड नहीं होता है, पर इसमें आपको क्या बोलना होता है. तो जनरली आपको 30 seconds तक बोलना है अपना इंट्रोडक्शन, जिसमें आप कवर कर सकते हो अपना नाम, अपनी एज, योर प्लेस ऑफ रेसिडेंस. आई कैन से आई एम कमिंग फ्रॉम गांधीनगर और आई बिलोंग टू अहमदाबाद और एक्स वाई जेड सिटी. व्हाट इज योर प्रोफेशन? आर यू अ स्टूडेंट और वर्किंग पर्सन? यू कैन टॉक अबाउट वन और टू ऑफ योर हॉबीज एंड योर फ्यूचर प्लान ऑफ स्टडीज और हाउ यू सी योर करियर इन द फ्यूचर. सो व्हेन यू कवर ऑल दिस 5 to 6 पॉइंट्स, यू विल बी गिविंग अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन ऑफ अबाउट 30 seconds. Now let's begin with each and every question type of your speaking speaking module. So number one we have is a read aloud. So read aloud, you are given a short text which you have to read aloud. That is you have to see and read it aloud. You will get 6 to 7 read aloud tasks and you are tested on your speaking and reading skills. Now what is the best strategy for your read aloud? So number one is the वर्ड स्ट्रेस. तो वर्ड स्ट्रेस क्या होता है? तो इंग्लिश में जनरली वर्ड्स जो है विच कैरी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स आर स्ट्रेस्ड मोर देन द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस. इन ऑर्डर टू स्कोर हायर मार्क्स यू हैव टू स्ट्रेस ऑन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स. दूसरी चीज को आपको ध्यान रखना है रीड अलाउड में, दैट इज हाउ टू ट्रीट पंक्चुएशंस. मतलब आपके जो कॉमास, इनवर्टेड कॉमास वगैरह होते हैं, फुल स्टॉप्स होते हैं. तो इफ यू सी अ कॉमा इन अ सेंटेंस, यू कैन टेक अ वेरी स्मॉल पॉज or you can choose not to pause at all, but once you reach a full stop, take a brief pause. ठीक है, अभी वो कॉमा में पॉज लेना है कि नहीं लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. पॉज लेना अच्छी बात है, बट इफ यू आर गुड इनफ आप अगर से अच्छे से कर पा रहे हो तो आप नहीं चूज करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जब फुल स्टॉप आता है तो कंपल्सरी आप एक अच्छा सा पॉज लें. पॉजेस लेने के लिए हमें जो ध्यान में रखना है वो है सेंस ग्रुप. तो देर आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स और मीनिंगफुल फ्रेसेस. जैसे कि व्हेन यू डिवाइड द सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप, इट इज वेरी इजियर फॉर द लिसनर टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, जैसे कभी मैं बोल रही हूँ तो ऐसे मैं पढ़ जाऊंगी पूरा ऐसे, तो आप शायद समझ नहीं पाओगे. लेकिन अगर मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स को डिवाइड करके, उसको स्ट्रेस करके अगर मैं बात कर रही हूँ तो इट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. राइट? नेक्स्ट पार्ट
in treating the punctuation is the intonation. Now, what is intonation? Like rising intonation is when a voice rises at the end of the sentence and also used to show the pattern and contrast. ठीक है? Now, this was about the read aloud. अगर आप ये चीजों को ध्यान में रखोगे, ये strategies को follow करेंगे, ऐसे read aloud करोगे, तो you will be able to score very good not only in your speaking but also in the reading model. Number two, moving ahead with a repeat sentence. In this section, you hear a short sentence and you have to repeat it exactly like the speaker. You get 10 to 12 repeat sentence items and you are tested on both listening and speaking skills. So it contributes to listening and speaking scores. Now, how to get a good repeat sentence, like, you know, how you can get a good answer. So in order to score high in this section, try to understand the section or the sentence rather than focusing on or memorizing it. ठीक है, तो जो सेंटेंस बोला गया है तो उसको अगर वो कंसेप्ट या जो चीज बोली गई है उसको अगर आप समझोगे रादर देन लाइक यू नो फॉलोइंग के भी छोटे छोटे मैं उसके अल्फाबेट्स लिख दूं या तो मैं उसको मेमोराइज कर लूं, ठीक है, रट्टा मार लूं, तो उससे अच्छा है कि आप अगर वो समझोगे तो वैसे ही वो सेंटेंस को अच्छे से रिपीट कर पाओगे. यू विल स्कोर हायर इफ यू से द करेक्ट वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर एज द स्पीकर. यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिपीट सेंटेंस की. रिपीट सेंटेंस में ऐसा नहीं है कि मुझे जो एक सेंटेंस सुनाया गया है कि मैंने जो सुना है वो सेंटेंस मैं बोल रही हूँ लेकिन उसका सिक्वेंसिंग आड़ा टेढ़ा है, ठीक है, तो आपको उसके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है. और दूसरी चीज कि जो वर्ड्स बोले गए हैं वो ही वर्ड्स को आपको रिपीट करना है. सो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो सबसे पहले जो सेंटेंस का ऑर्डर है वो मेंटेन रखे और दूसरा जो करेक्ट वर्ड बोले गए हैं वो ही वर्ड्स को आपको रिपीट करना है. Again, this is a speaking test, so also pay attention to your word stress and pronunciation when you repeat the sentence. ठीक है, जब sentence repeat करो तो sequencing of sentence, correct words का तो ध्यान रखना है लेकिन साथ ही साथ में आपको word stress और pronunciations का भी उतना ही ध्यान रखना है. Secondly, train yourself with different accents. मतलब अलग अलग accents के audio आप सुनने की अपने आपको training दो जिसकी वजह से अगर कोई ऐसा एक्सेंट आता है जो हमें समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर हो जाए एंड वी कैन गिव अवर बेस्ट आंसर फॉर रिपीट सेंटेंस. और फाइनली डोंट हेजिटेट एंड डू नॉट से इनकम्प्लीट सेंटेंसेस इवन इफ यू फॉरगेट समथिंग. कंप्लीट द सेंटेंस बाय गेसिंग द वर्ड्स यू फॉरगेट और यू डिड नॉट अंडरस्टूड. ठीक है, आप कई बार अगर आपके पास इंग्लिश नॉलेज है जैसे मैंने सबसे पहले आपको बोला कि सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए ट्राई करो तो उससे क्या होगा कि आप अगर अंडरस्टैंडिंग है तो यू कैन ऑल्सो गिव योर आंसर बाय लाइक यू नो मेकिंग सम अंडरस्टैंडिंग कि चलो ये वर्ड्स होंगे तो ऐसे वो कंप्लीशन हो जाएगा. तो इनकम्प्लीट रखो, उससे अच्छा है कि गेस वर्क करो और आपके सेंटेंस को कंप्लीट करो. तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है आपके रिपीट सेंटेंस के लिए. और आप अगर कोई अपनी टी जानते हो तो मैं बता दूं कि रिपीट सेंटेंस इज अ सेक्शन वेयर यू कैन गेट वेरी हाई स्कोर इन योर स्पीकिंग टेस्ट मॉडल. सो फोकस मोर ऑन रिपीट सेंटेंस, ट्राई द स्ट्रेटेजीज एंड डेफिनेटली यू विल गेट योर गुड स्कोर. लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पोर्शन और थर्ड क्वेश्चन टाइप, दैट इज अ डिस्क्राइब इमेज. इन दिस पोर्शन This is the most important part of speaking test because यहाँ पे आपके जो total marks मिल रहा है it is contributing only to your speaking score. मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ speaking के mark मिलते हैं आपके जो है speaking, pronunciation और fluency. तो ये चीजों पे अगर आप ध्यान रखोगे तो आप अच्छे से score करोगे describe image में. यहाँ पे जो key है to have a strategy for each type of image. मतलब आप हर एक image type के लिए अपनी एक strategy बना लीजिए. जैसे कि bar chart है तो उसकी प्रॉपर वोकैबुलरी और उसकी एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि बार चार्ट में मैं ऐसे 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 इसको बोलूंगा या बोलूंगी. लाइन चार्ट है, वो पाई चार्ट है, टेबल है, फ्लो चार्ट है या तो फिर वो पिक्चर्स दिखाए गए. तो हर एक टाइप की आप अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी बनाओ, उसको रखो एंड व्हेन इट इज गिवन टू यू इन टू एग्जामिनेशन वो स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके आप आंसर दे दीजिए. मूविंग फॉरवर्ड टू नंबर फोर्थ, That is a retell lecture. तो जैसे ही वो उसका heading कह रहा है कि retell lecture, तो यहाँ पे आपको एक lecture सुनाया जाएगा, okay? That is about 90 seconds and you are required to retell your lecture in 40 seconds. Here in this retell lecture, your response should be like in a real test should be more fluent, natural, effortless. मतलब आप मेहनत कर करके बोल रहे हो, याद करके बोल रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए.
एंड शुड कवर द मेन पॉइंट्स इन द रिकॉर्डिंग. मतलब आप रिकॉर्डिंग में जो सुन रहे हो तो जिसके बारे में है वो उसके जो मेन पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करो. तभी नोट डाउन कैसे करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि पीजी एग्जामिनेशन में आपको दिया जाता है वहां से एक लाइक यू नो मार्कअप पेन और आपको एक दिया जाता है लाइक यू नो इरेजेबल नोट पैड जिसमें आप अपने जो कीवर्ड्स है वो नोट कर सकते हो और फिर यू नीड टू रीटेल योर लेक्चर बाय लुकिंग एट लाइक यू नो दैट योर नोट्स एंड इफ यू स्पीक वेरी स्लोली इफ यू हेजिटेट इफ यू आर टेकिंग पॉजेस तो आप अपनी फ्लुएंसी लूज करोगे और अच्छे से नहीं बोल पाओगे. सो टेक केयर दैट यू प्रैक्टिस फॉर योर रिटन लेक्चर बाय टेकिंग गुड कीवर्ड्स एंड पॉइंट्स एंड स्पीक इन अ वेरी फ्लुएंट मैनर एंड वेरी नेचुरल एंड एफर्टलेस. फिफ्थ क्वेश्चन टाइप इन योर स्पीकिंग मॉड्यूल विच इज द लास्ट क्वेश्चन टाइप फॉर योर स्पीकिंग टेस्ट मॉड्यूल इट इज एन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन. This is the last section of the speaking test. You will hear short question, then you will have to answer the questions when the microphone opens. You can answer with just one word or a group of words. These questions are from everyday English and anyone can answer with like you know general knowledge of English. Like you know, आप कोई भी answer दे सकते हो जिसके पास अच्छे से English का knowledge है. Make sure लेकिन कि आपका microphone है वो आपके answer को record करे. अगर यहाँ पे आप 3 seconds से ज्यादा लाइक यू नो पॉज ले रहे हो इफ आर टेकिंग अ पॉज ऑफ मोर देन 3 seconds द माइक्रोफोन विल बी म्यूटेड एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड योर आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो मेक श्योर यू प्रेस नेक्स्ट वंस यू रिकॉर्ड योर आंसर. सो यस एवरीवन तो ये हमारे 5 क्वेश्चन टाइप्स थे स्पीकिंग के लिए और उसकी स्ट्रेटेजीज थी. तो अगर आप ये सारी स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो और उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर रहे हो then definitely you will like you know secure a very good score in your PT speaking as well as reading and listening module too. Guys please kuch bhi mat kijiye. I think that someone is like you know destroying the kuch bhi aap mat kijiye. Aap suniye samjhiye theek hai. Please don't do anything like you know with your skills of like you know webinar or workshop. Yahan pe aap kuch bhi notes wagera mat kijiye please. Yes. चलो मूविंग टू नेक्स्ट पोर्शन. नाउ आवर स्पीकिंग इज ओवर. मैं क्वेश्चन आंसर सेक्शन लास्ट में रखा है. स्पीकिंग में आप में से किसी को भी कोई भी क्वेरी है क्वेश्चन है आप अपने पेपर में लाइक यू नो हैव अ बुक ऑफ पेपर विथ यू कीप नोट नोटिंग डाउन दोज क्वेश्चंस. आई विल आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन. ठीक है. सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट मॉड्यूल दैट इज अवर समराइज रिटन टेक्स्ट. In this section, this is the section of your writing module. Writing में मैं बता दूँ आपको दो like you know sections रहते हैं. एक तो होता है SWT that is a summarized written text और दूसरा होता है essay writing. So first understand what is SWT that is summarized written text. In this section, you are given a text up to 300 words. You are required to write one sentence summary of the text. The summary should be between 5 to 75 words and you have 10 minutes to write a sentence. And this section contributes to your reading and writing scores. अभी SWT यहाँ पे आपको reading के score भी मिल रहे हैं और writing का भी मिल रहा है. तो यहाँ पे देखते हैं general tips क्या है SWT के लिए. So सबसे पहले start with a capital letter which is very important and sentence with a full stop so that computer understands that you have end your answer. Remember it's just one sentence summary. तो वो single sentence में ही होना चाहिए उसको याद रखो. And yes, don't forget to check your spelling and grammar. Now, what is the strategy for SWT? That is summary writing. So as soon as you start reading your first paragraph, read for the topic and write the topic sentence for the first paragraph. Okay? Now, remember the topic sentence is not always the first sentence. It is a sentence which introduces the main idea in the paragraph. So, आपको ध्यान रखना है सबसे पहले do not write definitions. कोई definitions जो दिए गए वो मत लिख लो. Do not write examples in the summary. Summary में example भी मत लिखो क्योंकि example लिखोगे तो summary क्या लिखोगे. And only include the main ideas and supporting points in the summary. ठीक है. तो अगर आप ये चीजों को ध्यान रखोगे कि ये चीजें नहीं करनी है और हमें क्या करना है तो आप SWT में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे और जो आपको रीडिंग मॉड्यूल में भी अच्छे स्कोर्स देंगे. Moving towards next part, that is section 6 of our speaking writing part. That is essay writing. So in this section, you have to write an essay of about 200 to 300 words on a given topic. You will have 20 minutes to write an essay.
तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, एक फॉर्मेट दिखा रही हूँ ऐसे राइटिंग में क्या होता है. सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं. तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना हो, तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, एनी जनरल सेंटेंस रेलेवेंट टू द टॉपिक, एंड पैराफ्रेज द गिवन क्वेश्चन. लाइक इन दिस एसे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट एंड वॉट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट ऑफ योर टॉपिक. Now we are going to do 1, 2, and 3 body paragraphs. Okay. So in body paragraph 1, you can start with a topic sentence. Explain little about that. In a sentence or a two is like, you know, enough when you're going with examples with the like, you know, content, and also support your like, you know, sentence or view with an example. ठीक है? वही चीज अगर paragraph 2 में हम चाहते हैं तो वहाँ पर भी हम topic sentence के बारे में बात करेंगे. उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे और उसको भी हम एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई करेंगे. और जो पैराग्राफ 3 है, अगर आप जा रहे हो पैराग्राफ 3 में, तो वरना जो पैराग्राफ 2 है उसको आप पैराग्राफ 3 से कंपेयर कर लीजिए, और 1 और 2 पैराग्राफ को कम्बिनेशन कर लीजिए. तो वहाँ पे अगर हमारा सेकेंड पैराग्राफ है या तो थर्ड पैराग्राफ है, तो उसमें अपना ओपिनियन दीजिए टॉपिक के बारे में, और वो ओपिनियन आपका क्यों है, वाई. सो गिव दैट जस्टिफिकेशन इन योर थर्ड बॉडी पैराग्राफ. And last body paragraph 4, that is your conclusion paragraph. So what you conclude from your essay, वो आपको पूरा लेना है. So like, you know, go as to 300 words as you can. और ideally यहाँ पे मैं बताऊंगी कि आप लोग like, you know, 240 से 260-270 words तक आप जा सकते हो. So it's very easier for you to complete all this part and portions by 2 to 300 words. और ये सारी चीजें कैसे करते हैं, उसमें like, you know, इस तरीके से करेंगे, कौन से टाइप ऑफ ऐसे में क्या लिखेंगे, SWT में क्या करेंगे, स्पीकिंग में जो मैंने बोला कि हर एक चीज के बारे में आप ऐसे डिस्क्राइब इमेज के लिए अलग से स्ट्रेटेजी बना सकते हो. तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट में हर एक स्टूडेंट को सिखाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट को ये सारी चीजें सिखाई है हमने. 1-to-1 कोचिंग हम लोग यहाँ पे देते हैं, इंडिविजुअल कोचिंग रहता है, और यहाँ पे हर एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उनको समझाते जाते हैं. और मेरे अप्रोक्सीमेटली 95% स्टूडेंट फर्स्ट ट्रायल में अपना डिजायर स्कोर लेके आते हैं विद ऑल दिस टिप्स एंड स्ट्रेटजीज. सो यू टू फॉलो ऑल दिस थिंग्स एंड यू विल गेट योर डिजायर स्कोर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. हमारा एक पोर्शन जो स्पीकिंग राइटिंग का है वो अभी हमने यहाँ पे खत्म कर लिया है, उसके स्ट्रेटजीज, टिप्स वगैरह. सो नाउ वी आर मूविंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज अवर रीडिंग टेस्ट मॉड्यूल. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रीडिंग टेस्ट मॉड्यूल. So the reading section in PT is quite challenging for many students. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका vocabulary level नहीं होता है तो बहुत ही challenging हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे हम कौन से tips लगाएं, कैसे करें. So ये चीज़ reading model थोड़ा technically like, you know, students के लिए challenging है. तो हम देखते हैं कि वो challenging portion को हम easy कैसे बना सकते. So let's see that however once you understand how to tackle each question efficiently through the strategies, it will be much easier to get your desired score in the test. So now number one, सबसे पहली strategy reading test module के लिए है, वो है time management. Now time is the biggest enemy in the reading section, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमें reading module जो है, जैसे अभी आगे like you know किशन जी ने समझाया है बताया, तो रीडिंग टेस्ट मॉड्यूल में टोटल टाइमिंग आपको मिलता है जहाँ पे 5 अलग टाइप के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो. जहां तक स्पीकिंग और राइटिंग की बात थी, तो स्पीकिंग राइटिंग में इंडिविजुअल क्वेश्चन में इंडिविजुअल टास्क टाइमिंग रहता था. मतलब कि 1 read aloud यू गेट लाइक यू नो 40 seconds टू स्पीक. वो बोलो कि नहीं बोलो, आप नेक्स्ट करो, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट हो जाता है. जब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, नाउ इन रीडिंग एंड लिसनिंग टेस्ट मॉड्यूल आपको टोटल टाइम दिया जाएगा, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स रहेंगे, तो वो आपको खुद से टाइम मैनेजमेंट करना है. तो यहाँ पे लाइक यू नो इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर यू टू मेंटेन योर गुड टाइम. सो द टाइम फॉर रीडिंग सेक्शन इज अप्रोक्सीमेटली, न्यू टाइमिंग इज 29 to 30 minutes डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स इन योर टेस्ट. सो नाउ वी हैव टू डू अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन इन 30 लाइक यू नो मिनट्स, व्हिच मींस वी हैव ऑलमोस्ट 2 minutes for individual question. So if you follow the strategy in this book, like, you know, or over here, you will be easily completing this section within the allotted time. So let's see how you can do this. So number one, your strategy for multiple choice, choose single answer strategy. So step one, read the question first. Quickly skim the text to get the main idea. Step two, find keywords in the question. And step three, now look at the option and mark the correct answer. It's very simple and easier one to follow.
मूविंग टूवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन टाइप इज मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल आंसर. तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान रखें नेगेटिव मार्किंग्स वी हैव. In this section, you are given a text of up to 300 words, which is little bit bigger than your multiple choice single answer. You are given a question about the passage. You have to choose the correct answer from a group of 5 to 7 answer options. So, यहाँ पे आपके answer it will be more than one definitely because multiple answer है. So, it can be like you know out of 5 to 7 option, दो answer भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं. लेकिन वो आपको पढ़ के text में से देखना होता है. नेगेटिव मार्किंग है इन दिस सेक्शन, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्कोर गाइड फॉर एवरी राइट ऑप्शन यू गेट 1 करेक्ट मार्क, फॉर एवरी रॉन्ग ऑप्शन यू गेट -1. इफ अ टेस्ट टेकर सिलेक्ट 2 ऑप्शन, 1 इज राइट एंड 1 इज रॉन्ग, ही विल स्कोर 0 मार्क्स. एंड यस, वन मोर थिंग, इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग ऑल्सो यू विल गेट 0 मार्क्स. सो टेक केयर दैट यू डोंट गो इन लाइक यू नो नेगेटिव मार्किंग. सो टेक ओनली वेयर यू आर वेरी मच श्योर. तो इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स. सो नंबर 1, दिस इज एज अ ट्रिकी टास्क इन मोस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रगल टू टेक टू मच टाइम इन देयर रीडिंग सेक्शन. सो फॉलो दिस सिंपल लाइक यू नो स्टेप्स एंड यू विल सेव योर टाइम. सो स्टेप 1, रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. स्टेप 2, फाइंड द कीवर्ड्स इन द ऑप्शंस. एंड स्टेप 3, चेक इफ द ऑप्शन इज रॉन्ग और राइट. Mostly the wrong option has opposing information of what is given in the passage. So, ye cheezon ko samjho, follow karo aur apne answers find karo. Let's move on to third question type of your reading module, that is a reorder paragraph. In this section, you are given several sentences of paragraph in a random order, jisko hum jumble paragraph bhi bolte hain. You have to arrange these sentences in the correct order to form a paragraph, and this sentence are given in the text, like you know below. कैसे दिए गए होंगे, तो अलग अलग लाइक होंगे साइड पे और उसको हमें मैनेज इस साइड करना है. तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी फॉर रीऑर्डर पैराग्राफ. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द सब्जेक्ट सेंटेंस और द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ. अगर वो ढूंढ लिया तो बाकी के इजी हो जाएंगे. तो वो भी किस तरीके से आप रिलेट करोगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे आगे सेंटेंस में, लाइक हाउ टू फाइंड द फर्स्ट सेंटेंस और टॉपिक सेंटेंस. तो लाइक यू नो टॉपिक सेंटेंस शुड बी समथिंग लाइक यू नो इंट्रोड्यूसिंग समथिंग और लाइक यू नो सम आइडिया वो बात कर रहे होंगे. इट शुड हैव अ प्रॉपर नाउन्स ओनली, जैसे कि लाइक यू नो इट शुड हैव नो लाइक यू नो द दिस दैट एक्सेट्रा, वो नहीं होगा, प्रॉपर नाउन होगा, मतलब कोई प्रॉपर सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. फॉलोड बाई कॉमन नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल लाइक यू नो द सिटी, दिस प्लेस, दैट थिंग, एंड नो प्रोनाउंस. तो ये चीजों को ध्यान करके आप फर्स्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करो, फिर बाकी के सेंटेंस विल बी मच मोर इजियर टू फाइंड. तो वो कैसे ढूंढेंगे, सो द फर्स्ट सेंटेंस विल हैव अ प्रॉपर नाउन, सो द नेक्स्ट सेंटेंस विल हैव अ कॉमन नाउन विथ अ प्रोनाउन, इन अदर वर्ड्स अ रेफरेंस टू द प्रॉपर नाउन. एंड रिमेंबर टू चेक द फ्लो ऑफ आइडियाज इन द पैराग्राफ एज वेल. ठीक है, तो आइडियाज जैसे फ्लो में जाते हैं तो उसको भी हम साथ ही साथ में देखते जाएंगे. So this is what you need to follow with your reorder paragraph. Now moving towards the important portion of your reading test module. ठीक है, जो है reading fill in the blanks and reading writing fill in the blanks. दोनों ही बहुत ही like you know important session है, जहाँ पे आप ज़्यादा marks score कर सकते हो, particularly your reading test module में. So in this section, first हम बात करें reading fill in the blanks में. In this section, you are given a text with missing words. You are given several options below the text. You have to drag the correct answer to the blank. There are more options than the blank, so you will not use all the options provided. You have to predict the word by using the contextual and grammatical cues, and you are given 4 to 5 of this question type in the task. So, इसके लिए strategy क्या है? तो सबसे पहले, for high achievers of PT, it is important to build your vocabulary and have good knowledge of collocation. Collocation एक part है grammar का जो कलोकेट करते हैं वर्ड्स को. तो उसका एक कलेक्शन का अच्छा नॉलेज कर लो, आप अच्छी वोकैबुलरी बिल्डअप कर लो, तो आपके लिए रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स पीटीए में बहुत ही अच्छी रहेगी. एंड यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स इन दिस सेक्शंस वंस यू आर प्रिपेयर्ड विद योर वोकैबुलरी एंड कलोकेशंस. सो स्टेप नंबर 1, रीड द होल पैराग्राफ एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. वो क्या बात करना चाह रहे हैं वो मीनिंग को समझो. नंबर 2, इफ वन वर्ड इन द टेक्स्ट कलोकेट्स विद एन ऑप्शन इन द ब्लैंक, मतलब लिंक करता है कलोकेट का मतलब, that's your right answer. So this is one thing you can like you know use a cross checking and all.
स्टेप नंबर थ्री है फील द इजियर ब्लैंक्स फर्स्ट, मतलब जो वर्ड्स हमें पता है जिसके मीनिंग हम पता है तो उसको पहले फिलअप कर लो, तो फिर लास्ट में हमारे पास ऑप्शन भी कम बचेंगे तो उसमें से हमारा सिलेक्शन जो होगा तो वो हमें जल्दी से अच्छे आंसर ढूंढने में हेल्प करेगा. तो लाइक यू नो यू आर लेफ्ट विद अ फ्यूअर ऑप्शन टू चूज फ्रॉम. एंड स्टेप नंबर फोर, डिसाइड ऑन ग्रामर एंड टेंस. तो जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो जो चीजें पैराग्राफ में दी गई है वो अगर आप रीड कर रहे हो तो उसको ग्रामर और टेंस से भी रिलेट करो. तो कई बार ऑप्शंस जो ग्रामर से बेस्ड होते हैं तो वो हमें लाइक यू नो इजियर आंसर ढूंढने में और जल्दी से आंसर ढूंढने में हेल्प करता है. तो अगर आप रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में स्ट्रेटेजीज और स्किल्स को अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो रीडिंग की फिल इन द ब्लैंक्स है वो ईजी बन जाएगी. मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन टाइप ऑफ योर रीडिंग टेस्ट मॉड्यूल, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग. So in this test, you are given 4 to 5 of the task. You are given a text on the screen with blanks. You select the blank from a drop down list of several response options. So, जैसे कि reading blanks एक क्यों अलग है, reading blank में सारे options नीचे आपको साथ में दिए गए होते हैं और जो ज्यादा होते हैं. यहाँ पे एक blank के लिए आपको 4 options दिए होंगे, वहाँ पे एक arrow होगा, when you click on that, you will get 4 options for your one blank and you have to select from that. So this task contributes to both your reading and writing score. So, ये टास्क की स्ट्रेटेजी क्या है? So, first of all, what you need to do is skim the text quickly and get an overall idea about the passage. For each blank, read the whole sentence and understand it. ठीक है, वो पूरा सेंटेंस पढ़ो, उसको समझो. You can answer the missing blank by grammatical cues, vocabulary and collocation. Eliminate options which are clearly wrong. आप उसमें क्या कर सकते हो, जैसे 4 ऑप्शन है तो एक या दो तो हमें कई बार क्लियरली गलत लगते हैं तो उसको एलिमिनेट कर दो. तो जितने एक या दो बचे उसमें से फिर आप आंसर सिलेक्ट कर सकते हो. एंड नेवर लीव अ ब्लैंक इफ यू डोंट नो द आंसर, जस्ट गेस इट. क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कभी भी ब्लैंक मत छोड़ो आंसर को. यू आप गेस वर्क भी कर सकते हो, कई बार हमें वो गेस वर्क भी अच्छे से काम आ सकता है. ठीक है एवरीवन, सो दिस वाज आवर रीडिंग टेस्ट मॉड्यूल एंड आई होप एवरीवन इज लाइक यू नो गेटिंग देयर क्लियर आइडियाज एंड लाइक यू नो स्ट्रेटजीज about like you know reading text module also along with your speaking and like you know writing task. So aap abhi bhi apne question answers note karte chahiye aur main aapko bata dun last mein bhi hum log ek bahut interesting discussion karne wale aur main ek acche si aapko surprise bhi dene wali hu last mein. So uske liye aap bas just bane rahiye hamare like you know workshop mein. Aur jaise ki Kishan ji hamara jo purana tha like you know we had a break after reading which we don't have now, पर आज के हमारे ये वर्कशॉप में हम एक ब्रेक लेंगे क्योंकि स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा लाइक यू नो हम ब्रेक पर ज्यादा नहीं लेंगे. वी नॉट गोइंग टू टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक, बट एवरी वन लाइक यू नो वी विल सी ईच अदर. वी विल हैव वन फोटो सेशन इन दिस ब्रेक टाइमिंग. तो जहाँ पे सब लोग के दिमाग में लाइक यू नो स्पीकिंग रीडिंग सब स्ट्रेटेजीज मिक्स हो गई है तो वो शायद एक क्लैरिटी आ जाए तो लिसनिंग में उनको उतना वो स्ट्रेस ना रहे. So everyone, participants, I request all of you to please like you know switch on your like you know this video for a minute or two. जैसे आप मुझे देख रहे हैं, किशन जी को देख रहे हैं, तो हम लोग भी आपको देखना चाहेंगे. So I'll just take a minute like you know to get a photo of everyone. Thank you so much everyone. Just Gagan, yeah, you have opened. Yes, everyone please switch on your video. So we'll just have a picture. And you will also get a good break, like you know, before understanding listening and strategy. So everyone, yes, thank you, Mihir, Nikhar, Patel, yes, Dolly, everyone, others. I am waiting for your videos to get on. We'll take a minute. Yes, all of you are looking really lovely, and I hope everyone is enjoying today's workshop, right? थोड़ा बहुत है जहाँ पे पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, पर आखिर में रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, विच गिव्स अ स्माइल ऑन आवर फेस व्हेन वी सी अवर गुड डिजायर्ड रिजल्ट्स गेटिंग अस. आई वांट अदर्स, कैनल, हर्ष, रितु, प्लीज ओपन, यू कैन जस्ट स्विच ऑन योर लाइक यू नो वीडियो सो दैट वी कैन टेक वन लाइक यू नो पिक्चर. आप अपना एक वीडियो ऑन कर सकते हो. एवरी वन अदर्स, आई एम प्लीज वेटिंग फॉर योर लाइक यू नो वीडियोज. यस, थैंक यू एवरी वन. We're just getting your videos on. So we'll just take a picture together of everyone. So आप लोग अभी भी अपने questions जो है वो note down कर सकते हो.
everyone. Last we'll have a question answer session जहाँ पे अगर आपके और भी ज़्यादा questions हैं तो like you know we'll solve it out. Yes, thank you everyone for getting your video on and let's get back to our listening test module and understand what are the strategies of our like you know listening test module. जहाँ पे हम लोग अच्छे से score कर पाए तो listening में भी हमारे ऐसे question types हैं जहाँ पे हमें reading के भी marks मिलेंगे, राइटिंग के भी मार्क्स मिलेंगे तो वो इंटीग्रेशन को हम अच्छे से समझेंगे एंड विल लाइक यू नो लर्न हाउ टू गेट मोर बेटर मार्क्स. यस सो लेट्स मूव ऑन लिसनिंग टेस्ट मॉड्यूल. लिसनिंग टेस्ट मॉड्यूल जो है वो वैसे दो पार्ट में डिवाइडेड है. मैं बताऊंगी सबसे पहले एक तो SST है, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, वो एक अलग पार्ट है और उसके बाद हमारी 7 क्वेश्चन टाइप्स का एक पार्ट आता है. तो SST जो है वो इंडिविजुअल टास्क टाइमिंग के ऊपर बेस है जहाँ पे आपको एक या दो लाइक यू नो टास्क मिलेंगे और वो आपको विद इन 10 मिनट्स में कंप्लीट करना रहता है और उसके बाद का जो पोर्शन है 7 क्वेश्चन ऑफ लिसनिंग वो एक साथ होता है जहाँ पे हम अपने हिसाब से टाइम मैनेज करते हैं. सो लेट्स सी इन दिस सेक्शन यू लिसन टू अ रिकॉर्डिंग. आप एक रिकॉर्डिंग सुनोगे. यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ समरी ऑफ द रिकॉर्डिंग फॉर अ फेलो स्टूडेंट हु हैव नॉट प्रेजेंट लाइक यू नो इन द लेक्चर. मतलब कि वो है कि नहीं है उसके हिसाब से हमें सुनना है लेक्चर और हम उसके हिसाब से वहाँ पे डिलीवर करेंगे आंसर. द समरी शुड बी लाइक यू नो बिटवीन 50 टू 70 वर्ड्स. द ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर इज 60 टू 90 सेकेंड्स एंड यू विल हैव 10 मिनट्स टू राइट योर समरी. इन दिस सेक्शन बोथ योर लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल्स आर टेस्टेड. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रेटजी फॉर योर लाइक यू नो दिस SST दैट इज समराइज स्पोकन टेक्स्ट. So number one is take notes of the recording. जैसे मैंने बोला कि आपको एक वो मार्कर पेन और नोटपैड दिया जाता है तो उसमें आप नोट करते जाइए while you are listening. Identify the main points. Pay attention to the words which are stressed or phrases that are often repeated. Number three, there are central to the main idea of the recording. तो वो main idea क्या है उसको आप समझो, उसके keywords लिखो. You should identify the theme or gist of the talk. मतलब बात किसके बारे में हो रही है. जैसे कि आज अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तब पूरा जो सुनोगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा थीम या जिस्ट क्या है कि PTE में हाई स्कोर कैसे करें. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना जो लेक्चर सुन सकते हो और उसका थीम समझ सकते हो. What is the main purpose of this summary? Identify the points that support the main idea. Do not write everything that you hear. क्योंकि अगर आप सारी चीजें लिखने जाओगे तो आपके जो नोट्स है वो पूरा मैशअप हो जाएगा और आप ही नहीं समझ पाओगे कि मैं इसमें से क्या टेक्स्ट लू या क्या नहीं लू. तो जो नोट डाउन कर रहे हो वो बहुत ही मिनिमम चीज को नोट डाउन करो, कीवर्ड्स को नोट डाउन करो और वो जिस्ट को समझने को ट्राई करो रादर देन राइटिंग एवरीथिंग ऑन योर नोट पे. ठीक है, स्टार्ट अ समरी विद अ टॉपिक सेंटेंस. जब आप लिखना शुरू कर रहे हो तो टॉपिक सेंटेंस से लिखना शुरू करो. एड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जो हमने जिस्ट वगैरह सुना उसको थोड़ा ऐड करो एंड ओनली इफ द वर्ड लिमिट अलाउज यू. फिर बैकग्राउंड में इतने ज्यादा स्टोरी मत लिख दो कि वर्ड लिमिट के बाहर चले जाओ, वरना यू विल बी पैनलाइज एंड यू विल नॉट गेट योर डिजायर्ड स्कोर और पूरा स्कोर भी नहीं मिलेगा. तो वर्ड लिमिट में रह के हमें ये सारी चीजों को फ्रेम करना है. योर समरी शुड फॉलो लाइक स्पीकर आइडियाज. मैं एग्जाम्पल यहाँ पे बताया तो जैसे कि लाइक यू नो इफ अ स्पीकर मेंशंस आइडिया ए फर्स्ट, बी सेकेंड एंड सी थर्ड, डू द सेम. मतलब फिर अब द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट करके मैं सी पहले लिख दूँ, फिर मैंने ए लिखा, फिर बी लिखा, ऐसे मत करो. वो सिक्वेंसिस को भी मेंटेन करना जरूरी है. फॉलो द सेम ऑर्गेनाइजेशन एज द स्पीकर इज लाइक यू नो टॉकिंग इन योर दिस टेक्स्ट. ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखो और उसके हिसाब से आप SST करो, अच्छे से स्कोर ले आओगे आपके SST में. नाउ जैसे मैंने बोला कि बाकी के जो क्वेश्चन टाइप है, अब यहाँ से हमारा जो लाइक यू नो सेक्शन स्टार्ट होगा लिसनिंग में वो इंडिविजुअल टेस्ट पे नहीं होगा. आपको खुद से टाइम मैनेज करना है. मतलब ऑडियो यू कैन नॉट मैनेज, यू हैव टू लिसन ऑडियो, बट ऑडियो के बाद का जो टाइम है जो आप डिसाइड कर रहे हो आंसर टिक करने में, वो आपको टाइम मेंटेन करना है हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए. सो फर्स्ट वी हैव इज अ मल्टीपल चॉइस, यूज मल्टीपल आंसर. सो जस्ट लाइक रीडिंग मॉड्यूल, इन दिस सेक्शन यू विल लिसन टू अ रिकॉर्डिंग. वहां पे आप पढ़ोगे एक टेक्स्ट को, यहाँ पे आप सुनोगे एक टेक्स्ट को. यू आर गिवन अ क्वेश्चन अबाउट द रिकॉर्डिंग विद सेवरल ऑप्शन. जैसे मैंने बोला था एक क्वेश्चन होगा, ऑप्शन बहुत सारे होंगे. यहाँ पे भी आपके नेगेटिव मार्किंग्स है, मतलब यू विल स्कोर +1 फॉर करेक्ट एंड -1 फॉर इच रॉन्ग. इफ यू डोंट अटेम्प्ट यू विल स्कोर 0 मार्क्स. स्ट्रेटेजी फॉर मल्टीपल चॉइस, यूज मल्टीपल आंसर. The recording counts countdown from like you know 7 seconds and you have 7 seconds to look at the question.
understand it, just briefly look at the question. This is the most important part. Just like take notes about the question, like how, write everything the speaker says. Once the recording finishes, answer the question according to your speaker's notes. And some of the option contain synonym of the word from the recording. तो वो synonyms को समझो, अपने options को देखो और answer को tick करो. क्योंकि यहाँ पे आपके पास background में और कोई भी information नहीं है, multiple choice वगैरह reading में है. तो we have text with us, but here what we are going to like you know focus is on what speaker have said. So उसके हम notes कर सकते हैं और वो notes के देख के हम लोग हमारे answers को वहाँ पे tick कर सकते हैं. Moving towards next important portion, that is the fill in the blanks. So in this section, you will listen to a recording. The transcript of the recording is also given. Question paper mein di gayi hai aapko. The transcript contains up to 5 to 6 blanks and you will have to fill the blanks by listening to the recording and type of missing word. So yahan pe jo strategy hai, wo hai keep your hidden word which comes before the blank. Matlab wahi pe raho, kahin pe ghum mat jao. At this point, just type shortcut of the words, not their full spelling. शुरुआत में सिर्फ लाइक नो शॉर्ट वो छोटे बहुत ही जो वर्ड्स है वो टाइप करके रखो, पूरा मत करो क्योंकि फिर द स्क्रिप्ट विल गो लाइक नो वेरी फास्ट. यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ टाइपिंग, अगर आप टाइपिंग से उतना कंफर्टेबल नहीं हो, उतनी आपकी स्पीड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो नोटपैड दिया गया है उसमें आप लिखते जाओ. फिर जैसे कि ऑडियो खत्म होता है आपको वो ब्लैंक में टाइप कर दो. दो चीजों से आप कर सकते हो, इधर इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन टाइप डायरेक्टली और यू कैन टाइप इन योर नोटबुक और नोटपैड एंड देन यू कैन ट्रांसफर इट. And if you miss the blank again, don't leave it blank because you can also do the guesswork. यहाँ पे भी negative marking नहीं है. So remember, don't leave a blank like you know answer. Just do the guesswork and write your answer. Moving towards next question type, which is highlight correct summary. तो यहाँ पे जो scoring guide है highlight the summary में, like you know when you hear the recording, you should take notes, identify the main ideas of the recording. The correct summary should have the main idea and the supporting point. तभी आपकी वो highlight correct summary होगी. Next question type है select missing words. Strategy for missing word selection is quickly look at the topic and skim the option quickly, क्योंकि ज़्यादा time आपको नहीं मिलता है यहाँ पर. In order to predict the missing word, you have to follow the speaker's idea. तो वो किस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, वो idea को follow करो. तो जो नहीं कर रहे, that is your main answer. तो वो कैसे होगा, तो what is important in this section is mapping of your idea. That is most important, listen to the second and the last sentences carefully. The second and last sentence ko carefully sunoge to pata chalega ki ye topic ke bare mein baat nahi ki hai, itne cheezon ke bare mein baat ki hai, to jo remaining hai, that is your missing word and that is your correct answer. Now the important and easiest question type I would like to say personally is the highlight incorrect word. ये सेक्शन में लाइक यू नो इट इज अ लिसनिंग लाइक यू नो पोर्शन, जहाँ पे आप एक ट्रांसक्रिप्ट सुनोगे और लाइक यू नो यू विल लिसन वन रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट. ट्रांसक्रिप्ट दी गई है क्वेश्चन पेपर में एंड लाइक यू नो व्हाट यू नीड टू डू इज दिस, व्हेन द स्पीकर सेज यू विल हैव 2 to 3 ऑफ दिस आइटम्स, आपको वो इनकरेक्ट वर्ड पे लाइक यू नो कर्सर को क्लिक करना है स्पीड से जो गलत बोला गया है. तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो एक्टिवली सुनो, मतलब जब सुन रहे हो तब एकदम ध्यान से सुनो. You should move your cursor or mouse with the speed of the recording. Recording के स्पीड से आपको कर्सर को मूव करना है. Just one click is enough. मतलब गलती से 2-3 क्लिक मत कर दो, अगर 2 क्लिक कर दी तो वो अनक्लिक हो जाएगा, मतलब जो आपने आंसर टिक किया है वो निकल जाएगा. तो एक ही क्लिक करो आराम से. Don't look back to the recording or take notes. You hear the recording once in any listening item in the test. आप एक ही बार सुन पाओगे, वापस नहीं सुन पाओगे. So वो ध्यान रखो, उसके साथ रहो. And some recordings may be fast, so train yourself to anticipate with this question type. यहाँ पे ये question type में सिर्फ एक ही challenge है कि कई बार recording बहुत ही fast होता है, तो आप अपने आप को इसके हिसाब से थोड़ा train कर लो कि you be like you know with that speed and you are able to mark out the like you know wrong word or incorrect word very easily. तो ये question type मेरे हिसाब से बहुत ही easy है, just थोड़ी सी practice और technique की जरूरत है आपको. And moving towards the last question type of our whole PT, like you know, test or examination or listening, that is right from dictation. This is the last section of the test, and in this section, you will hear a short sentence, just like repeat sentence. You have to listen carefully and type the sentence in the response box exactly as you hear it, and you get 2 to 3 of this item. So, यहाँ पे strategy क्या है? तो सबसे पहले अच्छे से सुनो, listen carefully. टाइप द सेंटेंस, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो, नहीं है तो आप जो नोटबुक आपको दी गई है या तो नोटपैड दिया गया है उसमें आप पहले नोट डाउन कर दो.
नाउ यहाँ पे दूसरी स्ट्रेटेजी, पूरे वर्ड्स मत लिखो, उसके जो इनिशियल्स है वो लिखो, ठीक है, शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करो जब नोटपैड में लिख रहे हो तब. नाउ व्हेन यू स्टार्ट टू टाइप योर आंसर इन योर आंसर बॉक्स व्हिच इज गिवन टू यू, स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द कैपिटल लेटर, डोंट फॉरगेट टू पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस और पूरे मार्क्स पूरा होने पर भी नहीं मिल सकते हैं आपको. छोटे सी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कैपिटल लेटर स्टार्टिंग एंड पुटिंग अ फुल स्टॉप ओवर हियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. पे अटेंशन टू ग्रामर एंड स्पेलिंग एज दिस आइटम कंट्रीब्यूट्स टू योर राइटिंग स्कोर एज वेल. तो अगर आप एक बार सेंटेंस लिख रहे हो उसको पढ़ो, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कहीं भी ग्रामर टिकल लाइक नो एरर है, यहाँ पे टू लग सकता है, द लग सकता है, ए या एन लग सकता है, तो आप लगा भी सकते हो. यहाँ पे मैं आपको चीज बताना चाहूंगी कि अगर मान लो आप एक दो वर्ड्स एक्स्ट्रा भी लिख देते हो, अगर वो नहीं बोला गया है सेंटेंस में, रिमेम्बर देर आर नो नेगेटिव मार्किंग्स फॉर दैट. सो इफ यू फाइंड दैट हाँ ग्रामेटिकली ये वर्ड हो सकते हैं, सो इट्स बेस्ट टू पुट दैट रादर देन लाइक यू नो नॉट लाइक पुटिंग इट. और दूसरा स्पेलिंग्स पे ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर आपके स्पेलिंग के भी मार्क्स मिलेंगे, अगर वो स्पेलिंग गलत है तो उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा. एंड लास्ट, डोंट फॉरगेट टू फुल स्टॉप एट दी एंड. जैसे मैंने बोला फुल स्टॉप नहीं है तो करेक्ट होने पर भी आपको इनकम्प्लीट के मार्क मिल सकते हैं. ओके एवरीवन, सो दिस इज अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट पोर्शन एंड पार्ट लाइक राइट फ्रॉम डिक्टेशन वेर यू विल गेट वेरी गुड स्कोर इन योर राइटिंग. अगर आप स्कोर डिस्क्रिप्टर जानते हो पीटी का, किशन जी, तो मैं बताना चाहूंगी कि कई बार स्टूडेंट ऐसे राइटिंग पे बहुत फोकस करते हैं राइटिंग में, पर मेरे हिसाब से डब्ल्यू एफ डी में राइटिंग के लाइक नो ज्यादा लाइक नो वेटेज है राइटिंग का. तो कई बार स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है एंड दे डोंट टेक दैट पार्ट मोर सीरियसली. सो आप भी लोग इसको भी इतना सीरियसली लो, इतना समझो, क्योंकि ऐसे से भी शायद ज्यादा यहाँ पे वेटेज राइटिंग में लाइक राइट फ्रॉम डिक्टेशन में से है. Absolutely, that is a great suggestion, ma'am. Yes. So now, everyone, it's time for me to answer you and you to speak something more to me. We are into our question answer part. So, everyone, you can either type your question in the chat box or you can unmute yourself one by one. You can raise your hand better. आप अपना हैंड रेज कर सकते हो एंड लाइक यू नो वी कैन कम टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट एंड आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस. आपको कुछ भी क्वेरीज है, यस जगमीत जिल एंड गिल सॉरी एंड गगन, यस जगमीत आप बताइए, आपने हैंड रेज किया है पहले. व्हाट इज योर क्वेश्चन जगमीत? मैम आई वांट टू आस्क फ्रॉम गगन, एक मिनट जगमीत से पहले हम बात कर लेते हैं. यस गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग, यस वेरी गुड इवनिंग मैम. मैं ये पूछ रहा था जैसे डिक्टेशन में हम कितने वर्ड ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा? बहुत ज्यादा नहीं करना है. अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन है एक दो वर्ड में तो आप वो एक दो वर्ड ऐड कर सकते हो. फिर हम बहुत सारा कुछ नहीं लिखेंगे, हमारे पास उतना टाइम भी नहीं रहेगा क्योंकि डिक्टेशन लास्ट पोर्शन है. एससीएस की जैसे हम डबल लिख देते थे, जैसे ना स्पेस के आगे ऐसे वो भी लिख देते थे, जैसे इज एम टू चाहिए, ठीक है, तो वो आप एड कर सकते हो. मैंने बोला ना अंडरस्टैंडिंग लो आप सेंटेंस का. जैसे कि मैं कोई सेंटेंस देखे मुझे लगता है कि हाँ ये चीज पास्ट टेंस की है तो ये वर्ब जो है वो भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, तो मैं उसको अपने हिसाब से वो कर सकती हूँ पास्ट टेंस में. या तो फिर मुझे लगे हाँ भाई ये प्रॉपर नाउन है तो इसके आगे मुझे लाइक यू नो ध लगाना चाहिए, या तो यहाँ पे ए लगेगा कि एन लगेगा, तो एज पर माय नॉलेज ऑफ ग्रामर आई कैन लाइक यू नो पुट दोस वर्ड्स एक्स्ट्रा. तो दो तीन वर्ड एक्स्ट्रा अगर आप डाल देते हो, मान लो वो नहीं भी है तो इट्स ओके, पर बहुत ज्यादा हम नहीं लिखेंगे. गगन, यस व्हाट इज योर क्वेश्चन? थैंक यू. मैम गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मैम. मेरा एक क्वेश्चन सीगा भी, मतलब मैं रिसेंटली एग्जाम दिता सी, मेरे स्पीकिंग दे विचों मतलब स्पीकिंग रिकॉर्ड नहीं हुई सी, देन मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, उन्होंने मैंने कहा भी थोड़ा पिच स्केल दी प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ कंफर्म करनी सी भी ये पिच स्केल मतलब किदा. आई थिंक किशन जी इसका आंसर दे पाएंगे थोड़ा. गगन आई एम सो सॉरी, मैं आपकी क्वेश्चन पूरी तरह समझ नहीं पाया, क्या इशू आया था गगन? सर मतलब जब मैं स्पीकिंग का एग्जाम दिता मेरा स्कोर जस्ट 28 सीगा उस टाइम, तो मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया संगरूर दे विच, उन्होंने मैंने कहा भी थोड़ी एक पिच भी जोड़ा न्यू पैटर्न आया वो एक पिच स्केल इनवॉल्व होया भी 225 तो लेके 850 तक वॉइस रहनी चाहिए गर्ल्स की,
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਡਾਊਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਪੀਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਗਨ ਕਿ ਪਿਚ ਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਕਾ ਸਕੋਰ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਆਪਕਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਵੋ ਕਲੈਰਿਟੀ ਪੇ ਰਹਤਾ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈ ਕੈਨ ਅਸ਼ੋਰ ਕਿ ਯੇ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ शायद गगन आपसे ऐसे हुआ होगा मेरे ख्याल से किशन जी जैसे मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको स्पीकिंग में रखा कि आप अपना माइक्रोफोन अच्छे से रखिए उसको टेस्ट कीजिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैंने पहला पॉइंट ये कवर किया यहाँ पर कई बार स्टूडेंट को ऐसा होता है उनको माइक्रोफोन कहाँ रखना वो नहीं पता होता है तो कई बार आप ऐसे बोलते हो ना तो लाइक या तो फिर आप बहुत ही स्लो बोलते हो मेरा जो एक्सपीरियंस बता रहा है तो कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं बहुत ही धीरे धीरे बोलते हैं तो वो मिक्स ऑफ सेंटेंसेस या वर्ड्स हो जाता है तो शायद वो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा कि आप क्या बोल रहे हो तो उसकी वजह से शायद आपको मार्क्स नहीं मिले होंगे या तो आपका माइक्रोफोन की पोजीशन मींस लाइक ठीक से नहीं होगी गगन मैम माइक्रोफोन वो प्रैक्टिस कीजिए अगर आप कहीं पे क्लासेस कर रहे हो तो वो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए ऑफ रिकॉर्डिंग योर लाइक यू नो आंसर्स यस वॉइस रिकॉर्डिंग या ओके मैम थैंक यू ओके या देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम लाइक यू नो आई गॉट इन लाइक यू नो निखार Is PTE accepted in Canada? So, Kishan ji, yes, मुझे लगता है अभी तो काफी sure. institutes Canada में भी accept कर रहा है PTE को. जी मैम, in fact Canada में non-SDS category के लिए हम लोग yes. almost सारे institutes में भी accept होते हैं. More than 90% right. of the institutes are accepting, and yes. We have also applied for SDS. It is in work, so very soon you will hopefully hear good news from us. Yes, बहुत सारे लोग wait कर रहे हैं उसके लिए. Yes. हाँ जी. मैं अहमदाबाद से हूँ मैंने अभी इधर तीन चार मतलब कंसल्टेंसी और एजेंट से मिला तो उन्होंने मुझे ऐसा ही बोल दिया कि भाई तेरे को कनाडा जाना ना तो तू आईएलटीसी कर पीटी तो नहीं चलेगी ऐसा ही बोल दिया नहीं 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 खार इवन आई हैव गॉट लाइक यू नो वी आर आल्सो डीलिंग विद वीजा एंड ऑल सो मेरे अभी लाइक हमने तीन चार जनों का वीजा किया जो पीटी से नॉन एसडीएस में हुआ है उनका कनाडा में तो पर हाँ एक चांसेस रहते हैं कि 100% कई बार वीजा अश्योरेंस नहीं रहता आपके दूसरे एकेडमिक भी देखना पड़ेगा पर यस इट इज लाइक मेरे स्टूडेंट गए हैं पीटी देके कनाडा सो वी हैव दैट थिंग्स तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो हाँ नॉन एसडीएस में होता है नॉन एसडीएस में इंडिया में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अपने गुजरात से ही जाते हैं यस और कनाडा के लिए पीटी में कितना स्कोर चाहिए सेम स्कोर रिक्वायरमेंट है आपका वो कोर्स और आपका जो है मींस लाइक रिक्वायरमेंट आप किसके लिए जा रहे हो पीजीडी लेके जा रहे हो डिप्लोमा के लिए जा रहे हो आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो या तो आप ट्वेल्थ के बाद जा रहे हो तो 6.5 या तो फिर अगर आप कोई हॉस्पिटलिटी हाँ तो 58 मार्क्स जो है हमारे चाहिए और अगर आप मानो कोई नर्सिंग वगैरह कोर्स में जा रहे हो तो 7 मंथ की रिक्वायरमेंट अगर मांग रहे हैं तो उसको इक्विवेलेंट पीटी का स्कोर चाहिए हमें ओके थैंक यू नवदीप या थैंक यू निखार Navdeep, you have some question? Good evening, ma'am. Good evening. हाँ जी मैम मैं जून च पेपर दिता सीगा पीटी दा ते मैम मेरे लिसनिंग च सीगे 46 राइटिंग च सीगे 45 स्पीकिंग च मैम 58 ते रीडिंग च 53 ओवरऑल सी मैम 51 ओके तो आप अच्छे से वर्कआउट करो रिपीट सेंटेंस में और डिक्टेशन में क्योंकि रिपीट सेंटेंस में आपने स्पीकिंग में तो मार्क गेन कर लिया लेकिन लिसनिंग में मार्क नहीं गेन किया क्योंकि आपने अच्छे से सुना नहीं होगा और दूसरा वो रिपीट सेंटेंस का पोर्शन अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपका डेफिनेटली डिक्टेशन भी उतना अच्छा नहीं होगा तो जैसे मैंने अभी लास्ट में बोला कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन है वहाँ पे आप राइटिंग में बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो तो अगर वो पोर्शन आपका सही नहीं है तो आपने दोनों में मार्क्स अच्छे से नहीं स्कोर किया लिसनिंग में भी बिकॉज ऑफ रिपीट सेंटेंस और बिकॉज ऑफ डिक्टेशन राइटिंग में भी स्कोर अच्छा नहीं किया वो चीजों पर वर्कआउट कीजिए स्पीकिंग में हो सकता है क्योंकि आपके मार्क्स रीड अलाउड में अच्छे हैं आप डिस्क्राइब इमेज में से मार्क गेन कर लो ठीक है पर जो आप मार्क्स लिसनिंग में रिपीट सेंटेंस से गेन करना है वो नहीं कर पा रहे और दूसरा साथ में राइटिंग में भी अच्छा नहीं है तो हो सकता है आपका डिक्टेशन भी उसी के हिसाब से अच्छा ना हो मैम उसके बाद मैं गेन पर कर पा रहे हो हां जी अगस्त में फिर आई मेरे स्पीकिंग में 48 लिसनिंग में 48 राइटिंग एंड रीडिंग में 50-50 ओके आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा मैं यहाँ पे मेरा नंबर वगैरह डाल रही हूँ तो हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे आगे आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा उसके लिए मैम मेरा रीजन पेपर है मैम 22 फेब को ओके 22 फेब को है बताइए यस यस मैम तो आज मैंने जो सारी स्ट्रेटजीज वगैरह बताई है वो आप कीजिए लाइक यू नो और मैंने बोला था कि लास्ट में एंड ऑफ मैं कुछ आपको लोग को सरप्राइज देने वाली हूँ तो मैं सारे अटेंडिस को मेरा ये जो वर्कशॉप का वीडियो है या जो मेरी पीपीटी है वो मैं आपको मेल करूंगी आप लोग को मेरा नंबर मैं चैट बॉक्स में डाल रही हूँ उसके ऊपर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और जितने लोग मुझे लाइक यू नो व्हाट्सएप और एक आप पिक लाइक यू नो टेस्ट मेल मुझे भेजिए
तो जिसकी वजह से क्या है कि आपके मेल एड्रेस गलत ना हो, मैं उसी के ऊपर आपको मेरा सारा ये स्ट्रेटेजी का पीडीएफ मींस पूरा जो मेरा पीपीटी है वो भेजूंगी, आप उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए और आप उसके लिए कर सकते हो। और दूसरा हमारे फास्ट ट्रैक कोर्सेज भी है तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, तो उसके उसके लिए पर्सनली मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट योर डिजायर स्कोर। आपके जहाँ पे जो लूप होल्स है वो हम देखेंगे और वील वर्कआउट ऑन दैट। हम ऑनलाइन भी करवाते हैं। यस Yes, okay, Gavin, there is someone with the name, yes, thank you, Navdeep. There is someone in Realme C11, आपका नाम नहीं पता मुझे. You have raised your, like, you know, कुछ है question. Hello, ma'am. Good evening. Good evening, yes. Ma'am, मेरा loop improve नहीं हो रहे, वैसे कैसे करें वो improve? क्या आपका voice नहीं आ रहा है मुझे? आपका नाम क्या है पहले बताइए. रस्वीर. रस्वीर, yes, रस्वीर, बताइए. ma'am, मेरे read-out में बहुत दिक्कत आ रही है, वो कैसे improve करें? रीडल आउट में दिक्कत आ रही है तो आप बहुत ही ज्यादा लेकिन आप कुछ एसेज ले सकते हैं, ऐसे का बुक कोई ले लो, उसमें आप प्रैक्टिस करो। दूसरा आप रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग को सुनो और देखो जो जिसमें से पढ़ा है कि मैंने कौन से वर्ड्स को गलत पढ़ा, ठीक है, और उसके ऊपर आप वर्कआउट करते जाओ तो आपका रीडल आउट अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा और आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे उसको। और जो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन वगैरह नहीं आता तो आप मोबाइल डिक्शनरी आजकल सर कोई अच्छे से यूज करता है, उसका प्रोनाउंसिएशन देख लो और वो आप प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस मांगेगा आपका, मैंने बोला आप बड़े बड़े एसेज ले लो, ऐसे की कोई नोटबुक ले लो जो बाजार में मिलती है और वो ऐसे को अच्छे से पढ़ने का प्रैक्टिस करते जाओ। जैसे मैंने बताया कि रीडल आउट की स्ट्रेटेजी क्या है, तो पॉजेस लेते जाओ छोटे छोटे, जो स्ट्रेस वर्ड्स पे देते जाओ, सेंस ग्रुप को देखते जाओ और उसके हिसाब से प्रैक्टिस करो। तो आज मैंने जो यहाँ पे सब कुछ सिखाया आप लोग को, तो उसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। तुरंत आज मैंने सिखाया कल हो जाएगा वैसे नहीं होगा, आप लोग को आज जो सीखा है उसका वो आइडिया लो। मैंने बोला मैं आपको पीपीटी भेजूंगी मेरी, उसमें से वापस ध्यान से देखो वो स्ट्रेटेजीज को, एक वीक या 10 दिन तक अप्लाई करो, फिर आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएंगे। मैं वो रीडिंग के फीलिंग हाँ तो वो भी मैंने बता दिया, उसमें क्या करना है, वोकैबुलरी प्रिपेयर करो, कोहेसिव डिवाइसेस करो, ग्रामर पे वर्कआउट करो, तो दिक्कत नहीं आएगी फिर उसमें, ठीक है ना। कौन बोल रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है महक प्रीत से, लाइक मैम माइकी पोजिशन आपके लिप्स के पास होनी चाहिए, यहाँ पर यस, वो नीचे नहीं होना चाहिए, लिप्स से ऊपर नहीं होना चाहिए, इट शुड लाइक ओवर हियर दिस पोजिशन, यस। I hope you got your answer. आपका नाम बताइए, कौन बात कर रहा है पहले? I'm not getting your voice proper. नहीं आ रहा है आपका voice clarity नहीं है। और जब तक मैं question answer दूसरे के solve करूँ, I would like everyone to please give your feedback, like you know about today's this workshop. आपको ये कितना informative रहा? और like you know, I'm just looking out for your feedback. आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, कैसा लगा, तो उसके बारे में आप जस्ट फीडबैक देते चाहिए और मैं क्वेश्चन सॉल्व करती जा रही हूं दूसरों की। yes. मैम ने जैसे कि रीड लेक्चर में कीवर्ड कैच करें या पैसेज कैच करें? कीवर्ड्स कैच करना है आपको, उसको नोट डाउन करते जाना है और वो कीवर्ड्स से आप सेंटेंस बनाकर आपको उसका लेक्चर को रिटेल करना है। ओके थैंक यू मैम। फर्स्ट और लास्ट सेंटेंसेस पे ज्यादा फोकस कीजिए तो आपको सब्जेक्ट कीवर्ड्स मिल जाएंगे। जी हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। ओके यस, आप लोग अपने डालते जाइए फीडबैक्स मुझे आज कैसा लगा। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? गगन आपको और कुछ क्वेश्चन है? आई एम लुकिंग आउट फॉर योर फीडबैक एवरीवन, कि आपको कैसा रहा लगा आज का, इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं। सो लाइक यू नो मैं फ्यूचर में भी कंडक्ट करूंगी और फ्यूचर में मेरे वर्कशॉप्स होंगे वो इंडिविजुअल मॉड्यूल वाइज होंगे, जहाँ पे आप इंडिविजुअल मॉड्यूल के लिए अच्छे से और ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर पाओगे। So yes, I've started getting like, you know, yes, thank you, Jagmeet, आपकी फीडबैक के लिए बेस्ट है जी, yes, thank you everyone. Hello, ma'am. और किसी को? हाँ जी मैम, मैंने एग्जाम द्वारा बुक किया था, मैंने 25 तक किया था अमृतसर, बट उन्होंने मेरा रीशेड्यूल करने लिए क्या था कैंसिल करता, मॉर्निंग ही ईमेल आई, देन मैं हूँ चंडीगढ़ किया कैंगरू च, मतलब वो सेंटर वधिया किदा है ना, इदा पूछना। सेंटर तो सभी अच्छे ही होते हैं, हमारी प्रिपरेशन जैसी होती है, हम जैसे परफॉर्म करेंगे वैसे मार्क्स मिलेंगे। सेंटर पियर्सन के खुद के अगर आप सेंटर में जाओगे तो मेरा एक्सपीरियंस है कि जो पियर्सन के सेंटर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, वहाँ पे जो आपको एक एक्सपीरियंस रहेगा सारी चीज़ों के, जो टेक्निकल डिवाइसेस भी है वो बहुत अच्छे हैं,
तो मेरा सजेशन है कि अगर आप पॉसिबल है तो पियर्सन के सेंटर्स में जाइए, यू विल रियली एक्सपीरियंस अ वेरी गुड लाइक यू नो एटमॉस्फेयर ओवर देयर। मैम पियर्सन दे बुक कीता सी अमृतसर बट उन्होंने बस तो अच्छा होगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए, ठीक है? ऑल द बेस्ट आपको, अच्छे स्कोर ले आओ और फिर मुझे मैसेज करके वो इंस्टाग्राम में बताना कि क्या स्कोर आया आपका, ठीक है जी? वर्कशॉप इज हेल्पफुल फॉर द क्रैक द एग्जाम दीप मंडलिया, यस थैंक यू दीप फॉर योर this responses and your feedback. So I'm just looking forward for having more such like, you know, workshop, which will definitely help all of you. So fine, we are ending up our today's workshop. Thank you. I would like again, yes, good experience. Thank you. Thank you everyone for your feedback. I've loved all of you. Like, you know, you were really a lovely audience, everyone. Yes. And today a special thanks to Mr. Kishanji. थैंक यू मैम एंड आई विश ऑल योर स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट, आप लोग सब अपना बेस्ट कीजिए और जो भी आपका स्टडी अब्रॉड या माइग्रेशन का ड्रीम है उसको पूरा करिए। करिश्मा मैम तो है ही आपको गाइडेंस के लिए एंड पियर्सन इज ऑल्सो देयर फॉर एनीथिंग दैट यू नीड। यू सो मच। यस, आप में से कोई भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है अगर आप लोग को शॉर्ट टर्म की कोर्सेज भी चाहिए तो आज के वेबिनार अटेंडेंस को बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा और बहुत सारे लाइक यू नो फ्रीबीज भी मिलने वाले हैं। सो इफ यू वॉन्ट यू कैन कॉन्टेक्ट अस at Navigators Education, मेरा फोन नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कीजिए एंड टेक द बेनिफिट्स ऑफ टुडेज वर्कशॉप ऑल्सो। सो एवरी वन ऑल द बेस्ट, आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो एंड आई होप यू गेट योर डिजायर स्कोर। सो ऑल द बेस्ट एंड यस किशन जी, नाउ विल एंड अवर वर्कशॉप। थैंक यू फॉर हैविंग यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म विद अस। थैंक यू, थैंक यू एवरी वन। यस थैंक्स ऑल द ऑडियंस, एवरी वन पार्टिसिपेंट्स। गुड डे एवरी वन, गुड डे एवरी वन, या बाय।